नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में दीपावली पर मनोहर लाल सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि दीपावली के दिन दोपहर 2 बजे मनोहर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और हरियाणा में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे। फिलहाल चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। इस बैठक में नेता चुने जाने के बाद मनोहर लाल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हरियाणा में सीएम का पद बीजेपी का होगा, डिप्टी सीएम जेजेपी से बनेगा और इस रेस में डिप्टी सीएम पोस्ट की रेस में दो नाम है, एक है दुष्यंत चौटाला और दूसरा उनकी मां नैना चौटाला। हरियाणा में कुल मिलाकर ये डिप्टी सीएम का पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में आप समझ लीजिए कि सीएम का पेच फंसा हुआ है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 50-50 फॉर्मूले की बात कर चुके हैं। शिवसेना से जुड़े लोग आदित्य ठाकरे को सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं। वहीं सीएम फडणवीस क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मामले का हल जल्द ही निकाल लिया जाएगा। और मुंबई में आपको बता दें, आपसे बस थोड़ी ही देर बाद शिवसेना विधायक दल की बैठक है जिसमें आदित्य ठाकरे को नेता चुना जाएगा। अब मतलब हरियाणा में चौटाला, दुष्यंत चौटाला किंग मेकर हैं, तो क्या महाराष्ट्र में यही रोल आदित्य ठाकरे निभाएंगे? क्योंकि शिवसेना कह रही है सत्ता की चाबी तो हमारे पास है। बीजेपी विधायक अनिल विज क्या कह रहे हैं पहले वो सुनवा देते हैं। हाईकमान ने तय किया है और ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर चलेंगी और दोनों पार्टियों की राय रखते हुए हमारा लार्जर ग्रुप था, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, इसलिए हमने अपना मुख्यमंत्री हमारा होगा और उन्होंने हमें समर्थन किया है तो उनका डिप्टी सीएम होगा। कौन होगा ये वो फैसला करेंगे उसका, और हमारा सीएम कौन होगा इसका अभी हम विधायक दल की मीटिंग में तय करेंगे। मेरे दो सहयोगी साथ में, एक तो हमारे साथ नितिका हैं चंडीगढ़ से और मेरे दूसरे सहयोगी महाराष्ट्र से मुंबई से हमारे साथ हैं राकेश त्रिवेदी। सीधे नितिका का रुख करते हैं क्योंकि बड़ी खबर हरियाणा से पहले मिल रही है। नितिका, 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह जिसमें सीएम पद और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। सीएम तो हमें पता है लेकिन उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार, क्या इन्फॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों को दे सकती हैं? जब बिल्कुल, अगर बात करें तो भले ही महाराष्ट्र में अभी तक पेच फंसा हुआ है लेकिन हरियाणा में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बनाने जा रही है और जिस तरह से विधायक दल की मीटिंग चल रही है उसके बाद बहुत ही छोटा सा एक फासला कह सकते हैं कि तय करना है भाजपा को गवर्नर हाउस तक का, क्योंकि यूटी गेस्ट हाउस में यहाँ पर मीटिंग चल रही है। हलचल यहाँ पर भी देख सकते हैं क्योंकि टेंट जो है वो पहुँच चुके हैं गवर्नर हाउस में और भी तैयारियों के लिए जो भी सामान चाहिए होता है वो पहुँचना शुरू हो गया है। तो ये तो साफ है कि कल तक जो है शपथ समारोह हो जाएगा और साथ ही यूटी गेस्ट हाउस में मीटिंग चल रही है, बिल्कुल साथ ही गवर्नर हाउस है, सिर्फ एक दीवार बीच में है। उसके बाद यहाँ पर आकर अपना जो है सरकार बनाने का दावा जो है वो भाजपा दावा पेश कर सकती है। इसके साथ ही जेजेपी की भी मीटिंग चल रही है, वो भी माना जा रहा है कि 2 बजे के करीब दुष्यंत चौटाला जो है वो गवर्नर के पास आएंगे और उनको लेटर देंगे कि हम भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद शर्मा है, उनसे जानते हैं अभी तक क्या लग रहा है प्रमोद जी, क्योंकि हमें पता है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा है लेकिन उप मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी जेजेपी की ओर से भी ये तय नहीं है कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं या नैना चौटाला होने जा रही हैं। और अभी जेजेपी की मीटिंग चंडीगढ़ में शुरू हो रही है और उम्मीद है कि 2 बजे तक उसमें तय हो जाएगा कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। उसके बाद जेजेपी की ओर से दुष्यंत चौटाला की ओर से समर्थन पत्र गवर्नर को सौंपा जाना है। हमारे बिल्कुल बराबर में यूटी गेस्ट हाउस है, वहाँ बीजेपी बिल्कुल ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखते हुए कि इस बीच ये खबरें भी आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, उसको लेकर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, हरियाणा में जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें सीएम और एक डिप्टी सीएम, ये कल अमित शाह ने जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रात में तो उन्होंने ही कहा था जो फॉर्मूला तय हुआ है दोनों पार्टियों के बीच के सीएम बीजेपी का होगा और जाहिर तौर पर मनोहर लाल खट्टर ही सीएम होंगे, ये बात भी बिल्कुल तय है, और डिप्टी सीएम एक ही होगा ये भी लगभग तय है। मैं आपको बता दूं कि भले ही नैना चौटाला का नाम उछल रहा हो लेकिन हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है और कल बात भी जो हो रही थी दुष्यंत चौटाला से भी बात हुई और दिग्विजय चौटाला से, तमाम पार्टी के नेताओं से, तो लगभग दुष्यंत का नाम डिप्टी सीएम पर तय है। कुछ विधायकों ने जरूर हवा दी थी, एक दो विधायकों ने नैना चौटाला के नाम की, लेकिन लगभग जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि दुष्यंत चौटाला का डिप्टी सीएम बनना तय है। तो सीएम और डिप्टी सीएम कल शपथ ले सकते हैं। कुल मिलाकर कहें कि मनोहर लाल सीएम और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, अब ये औपचारिकता भर मात्र है।
बिल्कुल अदिति, क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम का लगभग जैसे कहे कि मामला तय है। अब बात है रही कि कितने मंत्री जेजेपी के शामिल होंगे, तो ये माना जा रहा है कि एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री के तौर पर दो मंत्रियों का कोटा दिया जाएगा और इसके अलावा बाकी बीजेपी के होंगे। ये भी हो सकता है कि जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं 8, उनमें से उन किसी को संसदीय सचिव बनाया जाए या एक या दो को कैबिनेट में शामिल किया जाए, तो कहीं ना कहीं निर्दलीयों को भी स्थान दिया जा सकता है, ये भी संभावना है। ठीक ठीक, फिलहाल मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला का डिप्टी सीएम बनना तय है। राकेश त्रिवेदी, महाराष्ट्र में तो सीएम का ही पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल अदिति, यहाँ पर सीएम को लेकर के पेच फंसा हुआ है। मैं इस वक्त मातोश्री के बाहर हूँ। मैं पहले चाहूंगा कि एक झलक जो आपको तस्वीर दिखा दे मातोश्री के बाहर, जहाँ पर अभी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। तमाम जो विधायक हैं, जो जीते हुए जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। मेरे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए जो है एक MLA है, अब्दुल सत्तार, मेरे साथ मौजूद है। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, पेच जो है मुख्यमंत्री के लिए फंसा हुआ है, अगर बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री का पद वो नहीं दे सकते, तो आप लोगों की क्या इच्छा होगी, क्या मांग रहेगी, क्या मुद्दे आज आप उद्धव जी ठाकरे के सामने रखेंगे? हमारा एक ही मांग रहेगी कि आदित्य जी ठाकरे साहब इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री हो, ताकि सारे नौजवान साथियों के बीच जो जल्लोस है, जो उत्साह है, उसको पूरा करने का काम आदित्य जी ठाकरे के रूप में इस राज्य का युवा मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए होगा और 2.5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का होगा। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से आप समझौता नहीं करी? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहेगा हमारा, लेकिन 2.5 साल हमारा रहेगा, 2.5 साल उनका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहेगा। शिवसेना के जो रुख है वो काफी कड़े तेवर नजर आ गए, मतलब झुकने के मूड में नहीं नजर आ गई शिवसेना। आप एक बात याद रखो, शिवसेना की निशानी धनुष बाण है, इस बाण के सामने जो भी आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि शिवसेना के जो नेता अभी आज चुने जाएंगे आदित्य ठाकरे, वो परिपक्व नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उनको क्या जवाब देंगे? देखो, जो जितना पढ़ा लिखा है वो ग्रेजुएट है और पूरे टैलेंट है। राज्य में जो तूफान की तरह उन्होंने पूरे राज्य भर के अंदर अपना एक नई कद निर्माण की है, एक नया जज्बा निर्माण किया है। जो आदमी पूरे राज्य को संभाल के पूरे राज्य के बीच अपनी जो यात्रा जन आशीर्वाद निकाले, उसमें जो उनको पाठिंबा मिला है, जो सपोर्ट मिला है, वो सारे युवाओं का था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए मान लीजिए अगर 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री अगर दे भी दिया, लेकिन जो बाकी जो क्रीमी जो मिनिस्ट्रीज हैं, अगर वो उन्होंने अपने पास रख ली, तब तो आपको संतुष्ट होगा या उसमें भी आप आधा का बंटवारा चाहिए? उसमें उद्धव ठाकरे साहब जो फैसला लेंगे वो फैसला आखिरी होगा और उद्धव जी का जो भी निर्णय होगा वो सारे शिवसेना को मान्य रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत लगातार बयानबाजी राकेश हम देख रहे हैं, लगातार बयानबाजी हम देख रहे हैं, 50-50 फॉर्मूले की बात भी हम देख रहे हैं। दोनों पार्टी ये भी कह रही हैं कि जो पहले अग्री किया गया था, जिस पर सहमति बनी थी, उन शर्तों पर ही ये गठबंधन आगे बढ़ेगा। पल पल का अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे, छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे।